हेलो दोस्तों, इस मॉडल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस लूम सोलर पैनल का, यानी कि आप सूरज देवता से डायरेक्ट लाइट ले सकते हैं अपने घर के लिए। ये एक सोलर पैनल है और 20 वॉट का ये पैनल है, इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। वैसे ऑलरेडी अनबॉक्स ही है और इस पर आपको मिलती है 25 साल की वारंटी और ये एक मेड इन इंडिया यानी कि एक इंडियन प्रोडक्ट है। तो फिर इसको फटाफट कर लेते हैं अनबॉक्स। और ये एक ISO सर्टिफाइड ब्रांड और क्वालिटी दोनों है। ये है 20 वॉट का सोलर पैनल जिसे आप अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इंडिया में ऐसे बहुत से गांव और बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर अभी तक लाइट की सुविधा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है, वहां पर ये बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। क्योंकि इस पर एक छोटी सी चार्जेबल बैटरी आप अटैच कर लीजिएगा तो अच्छा खासा इसका रिजल्ट मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे 20 वॉट का पैनल क्या काम करेगा, छोटा तो है पर ये भी बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि इससे आप जो DC फैन वगैरह है वो आप यूज कर सकते हैं गर्मियों में, जो DC बल्ब वगैरह होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब DC यानी कि डायरेक्ट करंट ही होता है, हाँ डायरेक्ट करंट, जो भी डायरेक्ट जो चलता है DC पर जो चलता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो आप इस पर चला सकते हैं। ये एक 20 वॉट की है यानी कि जो 20 वॉट के जितने प्रोडक्ट होंगे वो इस पर सारे चल जाएंगे, चल सकते हैं, जल जाएंगे। और इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, 75 वॉट है, 100 वॉट है, अलग अलग जो आपको जितने वॉट की आपको वाट की जितने वाट की आपको यहाँ पर सोलर पैनल चाहिए आपको मिल जाएंगे। वैसे क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है क्योंकि 25 साल की आपको वारंटी मिल रही है और 25 साल अगर चल जाती है तो पैसे तो वैसे ही वसूल हैं। पीछे की तरफ आपको मिलता है एक छोटी सी ये डिब्बी जो कि है माचिस की, बजा कर रहा हूँ, ये एक सर्किट यानी कि सप्लाई बोर्ड है छोटा सा, इससे आप वायर ले सकते हैं सप्लाई के लिए। और इसको नीचे की तरफ पुश करते हैं तो ये डिब्बी खुल गई, इसका ढक्कन है। यहाँ पर आपको दो वायर लगानी होती है, एक है माइनस और एक है प्लस। इसके बाद आप बैटरी चार्ज कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई भी आप जो गैजेट है DC गैजेट वो आप इससे चला सकते हैं, वो भले हो DC एयर कूलर, DC फैन, जो भी DC आइटम जितनी भी आती है, बल्ब वगैरह है, कुछ भी आप इससे चला सकते हैं। इसके पीछे जो ये डिस्क्रिप्शन जो इस स्पेसिफिकेशन का यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, इसको भी हम थोड़ा क्लोज कैमरे से फोकस करके आपको बता देते हैं तो आप देखिएगा इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। क्योंकि सोलर पैनल के बारे में मुझे इतना कोई ख़ास नॉलेज नहीं है, वैसे खास थोड़ा बहुत तो है, ख़ास नहीं बोल सकते। वैसे क्वालिटी की बात करें तो अच्छी क्वालिटी इसकी बोल सकते हैं और कंपेयर करें अगर लूमिनस से तो दोनों की इक्वल क्वालिटी है, उससे बेटर ये लूम सोलर है क्योंकि ये बहुत टाइम से इसी फील्ड में है और कुछ नए और आविष्कार, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नए प्रोडक्ट ये मार्केट में लाता रहा है। और इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाइए, इसकी वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, अगर अच्छा लगे ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हैं, नहीं तो वीडियो इंजॉय कर सकते हैं। या आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं ISO कम कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर ये इसकी डिस्क्रिप्शन जो इसके ऊपर जितने वॉट जो भी है वो आपको यहाँ पर पूरा स्क्रीन को पोज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर इसको हल्का नीचे से नीचे की तरफ पुश कीजिए, यहाँ पर प्लस वाली जो वायर लगेगी, यहाँ पर माइनस वाली, ऊपर वाले जो स्क्रू है इनको आपको खोलना पड़ेगा फिर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये छोटी सी डिब्बी है, पीछे की तरफ सॉल्यूशन लगा हुआ है यानी कि सिलिकॉन से इसको चिपकाया हुआ है पीछे की तरफ, ऊपर से पेंट किया गया है या फिर वाइट सिलिकॉन भी हो सकती है। ये पैनल है थोड़ा क्लोज आप देख सकते हैं और क्वालिटी अच्छी है। तो ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, मजा कर रहा हूँ, ये छोटा सा वीडियो था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें
और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट हेल्थ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री, इसको वैसे लगते हैं नहीं, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आज के लिए इतना, अपना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।